नमस्कार दोस्तों, और सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा पोस्ट, जो आपको मालूम होगा, आप अगर जो आपने Facebook, WhatsApp बहुत सारी सोशल मीडिया का यूज करते होंगे तो उस पे इस समय देखे तो वीडियो वायरल हो रहा, बाकायदा एक पोस्ट वायरल हो रहा है कि फ्राइडे प्रेयर को ओमान में बंद किया जा रहा है। वो बताऊंगा क्या उसमें सच्चाई है या नहीं। ओमान देखे तो ओमान सिविल एम्बुलेंस की तरफ से अपडेट निकल के आ रही कि ओमान में देखे तो काफी इलाकों में काफी भारी बारिश होने वाली, वो बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे देखे तो पिछले एक हफ्ते में देखे तो 1200 फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं। तो क्या है पूरा डिटेल इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को जरूर देखो ताकि ओमान से वीजा हो गया, एयरपोर्ट हो गया, फ्लाइट हो गया, लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुंचते। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं जो मतलब इस समय लेटेस्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रहा है उसके बारे में, क्योंकि देखे तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी अफवाहें भी फैलती रही। यहाँ पे बताया गया, सोशल मीडिया में बताया गया कि जो जुमे की नमाज है इसको बंद करने का सुप्रीम कमेटी ने डिसीजन लिया है। लेकिन यहाँ इस पोस्ट की अगर जो सच्चाई की बात किया जाए तो इसमें कोई भी सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है कि ओमान सुप्रीम कमेटी ने कोई ऐसा डिसीजन इस पोस्ट को क्या किया गया है, जो मतलब पिछले साल का है, ये जो 2021 का है वो उसमें मतलब वो उसी पोस्ट को रिट्वीट किया गया, मतलब उसमें डेट चेंज किया गया कि मतलब ये होने वाला है। लेकिन आप सभी को बता दूं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओमान सुप्रीम कमेटी यहाँ पे देखे तो ओमान ने इसको मतलब देखा जाए तो इसको कंडन कर दिया, मतलब ये इसमें थोड़ी भी सच्चाई नहीं है। उसके बाद अगर जो बात करें तो ओमान सिविल अथॉरिटी जो एम्बुलेंस है उसकी तरफ से जो अपडेट निकल के आ रही कि ओमान में देखे तो आप सभी को मालूम ही होगा इस समय देखे तो दक्षिणी ओमान में खासकर देखे तो काफी भारी मतलब भारी तादाद में देखे तो बहुत सारे इलाकों में बारिश हो रही है, जिसके लिए यहाँ पे बताया गया सभी को, बहुत सारे लोगों को वार्निंग भी दिया गया। यहाँ पे बताया गया है कि 5 जनवरी तक, मतलब क्या होगा कि 5 जनवरी तक ओमान में मतलब बारिश होती रहेगी। ओमान क्या आपको बता दें कि कुवैत हो गया, कुवैत में भी देखे तो बहुत सारे इलाकों में काफी ज्यादा बारिश हुई। उसके बाद बहरीन हो गया, वहां पे भी बारिश हो रही है। ऐसा नहीं कि ओमान में केवल हो रहा, अगर जो आप ओमान में रहते हो तो मैंने वीडियो भी बनाया था कि जो भी वादी हो गई क्रॉस करने से ध्यान रखना, अगर जो उस पर बोर्ड लगा हुआ है आरोपी का तो उसको मत क्रॉस करिएगा, अन्यथा आपको जेल भी हो सकती है, आपको फाइन भी पड़ सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ से, तो जो अपडेट निकल के आ रहा है फ्लाइट को लेकर कि यहाँ पे देखे तो फ्लाइटें आपको मालूम होगा कि ओमिक्रॉन जो है पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है, चाहे वो ओमान हो गया, इंडिया हो गया, या यूरोप कंट्री की बात कर ले, या दुबई, सऊदी, हर एक कंट्री में फैल रहा है। अगर जो बात करें तो यहाँ पे जो अपडेट है कि लगभग 2000 फ्लाइट कैंसिल हुई है पिछले 24 घंटों में। 24 घंटों में आप समझ सकते हैं 2000 फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं आपकी, मतलब इस समय देखे तो मौजूदा वक्त में। अगर जो इंडिया की बात कर ले तो इंडिया में तो आपको मालूम होगा केसेस की संख्या लगातार बढ़ रहा है, लेकिन और कंट्रियों की चाहे यूरोप की हो गया, क्योंकि यूरोप कंट्री से हमेशा जब देखा जाए तो जब पहला वेव आया था कोरोना वायरस का तो भी यूरोप से ही आया था, दूसरा आया तो भी, अब इंडिया में तो इस समय देखे तो पूरी दुनिया में तो चौथा वेव चल रहा है, बहुत सारी कंट्रियों में लॉकडाउन भी चल रहा है। तो जितना हो सके उतना फ्लाइटें अगर जो आप मान लीजिए इस समय कहीं भी ट्रेवलिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए भारत से ओमान जाना चाहते हैं या कहीं भी जाना चाहते हैं, तो फ्लाइट के ऊपर 100% नजर बना के रखिए। कब आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाए किसी को भी नहीं जानकारी है, तो आप जैसे 1 दिन 10 दिन जो भी मतलब जाना चाहते हो, चाहे यूएसए जाना चाहते हो, मान लीजिए यूएसए हो जाए, कनाडा हो गया, यूरोप कंट्री में जाना चाहते हो, तो फ्लाइट पर नजर बना के रखिए कि कब क्या डेट कोई रीशेड्यूल तो नहीं हो रहा है, तो पूरा जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो ये थी अपडेट, वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।